Good evening and praise the Lord, dear brothers and sisters attending to this Bible study hour at Life Spring Assembly. और आज की शाम भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, उन सभी भाइयों और बहनों का जो Life Spring Assembly कलीसिया के इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं। I am sure all of you have been blessed by the study of the First Corinthians so far. और मुझे पूरी आशा है कि पहले कुरिन्थियों की पत्री के अध्ययन से अभी तक आप सब आशीषित हुए हैं। Today we will start chapter 11. और आज की शाम हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। Chapter 11 verses 2 to 16. और पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय दूसरे वचन से लेकर 16वें वचन तक। And we will read this passage. और हम इस वचन के इस भाग को पढ़ेंगे। And you follow in your own Bible. और आप अपनी बाइबलों में इसके पीछे पीछे अनुसरण करें। And I also encourage you to sit with a pen or a pencil and a notebook to take down notes from these studies. और मैं चाहता हूं कि आप एक पेन, एक पेंसिल, एक किताब को लेकर बैठे और ताकि आप नोट्स को भी बनाने पाएं। Let us hear the word of the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उधाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसा स्त्री पुरुष से है वैसा ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएँ परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उधाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए नहीं दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। आमेन। May the Holy Spirit bless our hearts by the reading of God's word. और होने दे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को आशीषित करे जैसे ये धन्य वचन पढ़ा गया। And we must understand the reason why Paul is dealing with the subject here. और हमें ये कारण समझना है कि क्यों पौलुस प्रेरित इस विषय पर यहाँ बात कर रहा है। You will remember that the leadership of the church at Corinth had written Paul a letter. और आपको याद होगा कि कुरिन्थ की कलीसिया के अगुओं ने पौलुस प्रेरित को एक चिट्ठी लिखी थी। And in the letter they were asking for instructions concerning certain problems that had risen in the church. और उस चिट्ठी में वो कई सारी समस्याएं जो कुरिन्थ की कलीसिया में उत्पन्न हो गई थी उनके विषय में पौलुस से सलाह मांगते हैं। The present chapter deals with the two church problems. और जो वर्तमान का वचन का ये भाग है वो कलीसिया में मौजूद दो समस्याओं के विषय में बात करता है। And both have to do with the public worship. और दोनों बातों, दोनों समस्याओं का लेना देना सार्वजनिक रूप से आराधना करने के विषय में है। Number one, पहली समस्या, the first problem deals with the customs of believers. और पहली समस्या का लेना देना है विश्वासियों की परंपराओं के विषय में एंड ऑफ द चर्च वर्शिप, और कलीसिया की आराधना के विषय में, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द रोल ऑफ मेन एंड वुमेन हु वर पार्टनर्स इन चर्च वर्शिप। और खास रीति से पुरुष और स्त्री को लेते हुए जो कि कलीसियाई रूप से सहभागी हैं कलीसिया की आराधना में। एंड द सेकंड प्रॉब्लम डील्स विद द लॉर्ड्स सपर। और जो दूसरा समस्या है वो है प्रभु की मेज पर सहभागिता करने के विषय में।
And let me introduce these subjects to you. और होने दे मैं आज की शाम इस विषयों को आपके सम्मुख रखूंगा. Customs and traditions are often controversial issues. और याद रखिए परंपराएं रीति रिवाज कई बार समस्याओं का एक पहलू है या समस्याओं की परिस्थिति है. They are controversial both in the society as well as inside the church. और दोनों ही जगह चाहे वो समाज हो चाहे कलीसिया के भीतर हो दोनों ही स्थानों पर ये परंपराएं या रीति रिवाज समस्याओं को लाते हैं. So this is what is happening in the church at Corinth. और यही बात हो रही है कुरिंथ की कलीसिया में. And their arguments for and against customs and traditions. और उनकी जो तर्क हैं परंपराओं के लिए और परंपराओं के विरुद्ध. And those who support these say traditions and customs are very necessary and they help to maintain values and orders. और ये जो इन परंपराओं का हामी भरते हैं वो कहते हैं ये परंपराएं रीति रिवाज जरूरी है ताकि जो कलीसिया में एक क्रम एक सिद्धांत बनाया जा सके. That is one group of people. और ऐसे लोगों का एक समूह है. And the other group say. लेकिन जो दूसरा समूह है. The traditions and customs prevent changes. कि जो ये संस्कृतियां हैं या ये परंपराएं हैं ये बदलावों को रोकती हैं. And these changes are necessary and essential for progress. और ये बदलाव जरूरी हैं उस बढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए. So the present issue deals with this. और इसलिए जो वर्तमान की समस्या है वो इस बात को लेकर के है. And in verse 2. और दूसरे वचन में. What does verse 2 says? दूसरे वचन में क्या लिखा है? Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you. हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो. Apostle Paul commends the church for remembering the instructions on church order given by him. और पौलुस प्रेरित सराहना करता है कुरिंथ की कलीसिया के क्योंकि कुरिंथ की कलीसिया ने उन दिशा निर्देशों को माना है जो पौलुस ने दिए. And they were willing to seek God's help. और वो परमेश्वर की सहायता इस विषय में लेने को तैयार थे. And also to obey God's will even in the customs of behavior and of church order. And worship. और यहाँ तक कि परमेश्वर की उन आज्ञाओं को उन बातों को मानने के लिए भी तैयार थे इन परंपराओं और रीति रिवाजों के बीच में. Now the word teaching means instruction that are passed down by word of mouth. और शिक्षा जो शब्द वह है इसका मतलब है ऐसे निर्देश जो शब्दों के द्वारा हमें दिए जाते हैं. So there are traditions and customs being practiced by societies in many all over the world. और इसलिए ऐसे from generation to generation. ऐसे कई सारे रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व भर में जिनका पालन होता है. This is important to see because the present passage deals with this. और ये जरूरी है देखना क्योंकि वर्तमान का जो ये वचन है इसी विषय में बात करता है. What are traditions? ये परंपराएं क्या हैं? Traditions are unwritten laws of behavior and customs. और ये परंपराएं हैं ऐसी बातें जिन्हें लिखा नहीं गया है. And the customs means local practices. और इन रिवाजों का मतलब है स्थानीय रूप से अभ्यास की जाने वाले रिवाज. And these customs have references. References of a particular group or people. और इन रीति रिवाजों का एक लोगों के एक समूह से लेना देना है. So keep these references, explanations concerning traditions and custom. और इसलिए रीति रिवाजों या परंपराओं को लेकर दिए गए इस परिभाषा को कृपया कर अपने मन में रखिए. Traditions are unwritten laws of behavior. परंपराएं ऐसे अलिखित आज्ञाएं या सिद्धांत हैं जो अभ्यास के लिए दी जाती हैं. And customs are local practices with preferences of
particular group or और ये रिवाज जो है स्थानीय लोगों या एक समूह के लोगों के द्वारा अभ्यास किए जाने वाली बातें हैं। Now the context of this passage is the particular situation in Corinth. और इस वचन का जो संदर्भ है वो ये है कि कुरिन्थ की कलीसिया में जो अभी इस समय परिस्थिति है। It deals with worship and customs of the Corinthian church. और ये कुरिन्थ की कलीसिया की जो आराधना है और परंपरा है उस विषय में बात करती है। And the church is one side. और कलीसिया एक तरफ है। There also this church also is situated is in a is made in the midst of a society. और लेकिन साथ ही साथ कलीसिया को समाज के बीच में रखा गया है। Now the important thing to notice is this. और जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें ध्यान लगाना है वो ये है। It is not the law of God for believers in every society and situation. और याद रखिए विश्वासियों के लिए हर समाज या हर ऐसी परिस्थिति में ये परमेश्वर का कोई कानून या व्यवस्था नहीं है। However, लेकिन फिर भी while dealing with the Corinthian church. कुरिन्थ की कलीसियों के कलीसिया के संग बात करते हैं। There are principles laid down which are applicable to life itself. ऐसे सिद्धांत हमें पता चलते हैं जो जीवन के लिए भी अच्छे हैं, बहुमूल्य हैं। Principles speak to the behavior and customs of believers. In every generation. और जो सिद्धांत हैं वो विश्वासियों या मसीहों के चरित्र से बात करते हैं हर युग और हर पीढ़ी में। So, let us first of all think from verse 11, chapter 11, verse 3. और आइए पहले हम पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय तीसरे वचन से पढ़ें। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर है। Now this is women subjecting to men. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे एक स्त्री को एक पुरुष के अधीन रहना है। Now the principle in this verse is foundational. और इस वचन में पाया जाने वाला सिद्धांत सच में एक नींव का सिद्धांत है। And what is the principle? और इस सिद्धांत क्या है? There is a partnership and order in the universe. और याद रखिए सिद्धांत ये है कि सृष्टि में एक सहभागिता है, एक क्रम है। It is important that we know this principle. और ये जरूरी है कि हम इस सिद्धांत को जानें। Apostle Paul says, और पॉल स्पिरिट कहता है, I want you to know or I want you to realize. मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को जानो या इस बात को समझो। There are 3-4 things that Apostle Paul is encouraging them to remember. 3-4 ऐसी बातें हैं जो पॉल स्पिरिट उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है याद करने के लिए। Number one, पहली बात, the head of every man is Christ. कि पुरुष का हर एक पुरुष का जो सिर है वो मसीह है। Now head in scripture means authority. और वचन में जो सिर है उसका मतलब है अधिकार। By nature, Christ is stronger than man. और स्वभाव से मसीह पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली है। But also that by position, God ordained that Christ be the head and man be subordinate to him. लेकिन परमेश्वर पिता ने स्थान या उपाधि में भी मनुष्य को मसीह के अधीन रखा है या पुरुष को मसीह के अधीन रखा है। And secondly, दूसरी बात, the head of a woman is man. और जो स्त्री का सिर है वो पुरुष है। And this is a very sensitive subject in modern society. और ये बात एक बड़ी ही संवेदनशील बात है इस आधुनिक युग में। It has to be dealt with love, humility and honesty. और इस बात को हमें बड़े प्रेम के साथ, बड़ी दीनता के साथ और बड़ी सच्चाई के संग इसको इसका सामना करना है। A close observation will help understand God's position on the relationship between man and woman. और जब हम बड़े गहरे रीत से और ध्यान पूर्वक अगर देखें और जानें तो जो पुरुष और स्त्री के बीच का जो रिश्ता है वो हमें समझ में आएगा। What is God's position that he has taken concerning man and woman's relationship? और परमेश्वर का क्या स्थान है जो उसने स्त्री या पुरुष को लेकर के रखा है? There are two, three things to remember. और तीन ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ आप याद रखिए। Neither man or woman superior to the other.
ना ही पुरुष और ना ही स्त्री एक दूसरे से बढ़कर मैन एंड वुमन आर इक्वल लेकिन पुरुष और स्त्री एक बराबर है इक्वल इन गॉड्स साइट परमेश्वर की आंखों में एक समान दैट्स द वे गॉड क्रिएटेड देम क्योंकि ऐसे ही परमेश्वर ने उन्हें बनाया नन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर और कोई भी एक से दूसरे से अलग जुदा नहीं है एंड पॉल सेज बोथ आर फ्रॉम द अदर और पॉलस कहता है दोनों ही एक दूसरे से हैं इन क्रिएशन और सृष्टि में वुमन वाज टेकन फ्रॉम मैन स्त्री को पुरुष से बनाया एंड सिंस देन और उसके बाद से ऑल द मेन एंड वुमन आर बोर्न बिकॉज ऑफ मैन एंड वुमन सारे पुरुषों या स्त्रियों का जन्म स्त्री के द्वारा ही हुआ एंड सो दैट इज द फर्स्ट थिंग और ये वो पहली बात है And the relationship that exists between them has come from God. और वो रिश्ता जो उनके बीच है वो परमेश्वर से आया है. So 1 Corinthians chapter 11 verses 11 and 12. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 11वां और 12वां वचन. Nevertheless, neither is man independent of a woman, nor woman independent of man in the Lord. For as a woman came from man, even so man also comes through woman, but all things are from God. तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष के और ना पुरुष बिना स्त्री के है क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है There is neither man nor woman in God's sight. और याद रखिए परमेश्वर की नजरों में ना तो स्त्री है और ना कोई पुरुष है. Which is clearly mentioned in Galatians chapter 3 verse 6 verse 28. जिस बात को बड़े स्पष्ट रीति से गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय 28वें वचन में हम पढ़ते हैं. And let us hear the word. आइए हम उस वचन को देखें. Galatians chapter 3 verse 28. It says, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. Now, Let me make it clearer. और मैं इस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूँ. When God talks about man being the head of a woman, जब परमेश्वर बात करता है कि कैसे एक पुरुष एक स्त्री का सिर है, is not talking about ability or worth. तब परमेश्वर योग्यता या वो कितना भला है उस विषय में बात नहीं करता. Neither is he talking about competence or value. और ना ही बात करता है कि उसका क्या मूल्य है या उसके पास कौन से तोड़े हैं. Nor is he talking about brilliance and advantage. और ना ही बात कर रहा है लाभ के विषय में या उसकी समझदारी या ज्ञान के विषय में. God is talking about function and order. Within an organization. लेकिन परमेश्वर तो बात कर रहा है कि एक संस्था के भीतर जो किस रीति से वो कार्यरत करती है या काम करती है या जो क्रम एक संस्था के अंदर पाया जाना चाहिए. Every organization needs to have a head. और इसलिए हर एक संस्था के पास एक मुखिया होना जरूरी है. And without a head, an organization cannot be efficient and orderly. और इसलिए एक संस्था के बिना कोई एक मुखिया के बिना कोई भी संस्था अच्छी रीति से सुचारू रूप से नहीं चल सकती. Someone to guide, someone to supervise, and someone to give instruction. कोई हो जो उनका मार्गदर्शन करे, उनको देखे और उनके सहायता करे. Now there are three greatest organizations in the world. और तीन ऐसे सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जो इस संसार में पाई जाती हैं. Number one, God's universe. और वो है पहली संस्था परमेश्वर की सृष्टि. Number two, His church. दूसरा परमेश्वर की कलीसिया. And number three, Christian family. और तीसरा एक मसीही परिवार. Within God's order of a thing, there is a partnership. और परमेश्वर के क्रम अनुसार बातों को बनाने की वजह से एक सहभागिता. And every partnership has a head. और हर एक सहभागिता में एक मुखिया है. And God has ordained that a man be the head of a woman. और परमेश्वर ने इस बात को निर्धारित किया है कि एक पुरुष स्त्री का सिर ठहरे. So they are not only
husband and wife, और ना केवल वो पति पत्नी हैं, they are also partners in life. लेकिन वो जीवन में सहभागी हैं. That is partnership. और यही सहभागिता है. And thirdly, तीसरी बात, the head of Christ is God. और परमेश्वर मसीह का सिर परमेश्वर पिता है. This simply means, और इसका साधारण रीति से ये मतलब when है, Christ was on earth living his life as a man, कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को एक मानव के रूप में इस पृथ्वी पर बिता रहा, he subjected himself to his father's will. तब उसने अपने आप को अपने पिता की इच्छा पर समर्पित कर दिया. That's the way he lived his life. इसी रीति से उसने अपने जीवन को जिया. He set aside his divinity and divine qualities. उसने divine nature. उसने अपने दैवीय स्वभाव को, अपनी महिमा को अलग रख दिया और एक पुरुष की रीति, एक मानव की रूप में जिया. And he allowed himself to be like a servant. और उसने एक दास के रूप में खुद को रखा. So God the Father was the head under whom Christ worked and functioned. और इसलिए पिता परमेश्वर वो सिर था जिसके अधीन रहकर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया और उद्देश्य को पूरा किया. Now this we find in Philippians. और इस बात को हम फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में पाते हैं. Go ahead and read. सातवां और आठवां वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहकर मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली. And verse 6 says, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. और छठे वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा. And so here is how Jesus functioned as a human being while he was here on earth. He functioned under the subjection of God. और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह ने एक मानव के रूप में पृथ्वी पर कार्य किया परमेश्वर पिता के अधीन रहकर. As a man he was baptized. और एक मानव के रूप में उसने बपतिस्मा लिया. As a man he was circumcised. और एक मानव के रूप, एक पुरुष के रूप में उसका खतना हुआ. And as a man he was filled with the Holy Spirit. और एक मानव के रूप में वो पवित्र आत्मा से भरा गया. As a man he was led by the Holy Spirit. और पुरुष होते ही, मानव होते ही पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई. As a man he faced the devil. और एक मानव के रूप में ही उसने शैतान का सामना किया. And as a man he overcame the devil through maintaining a right relationship with God. और एक मानव के रूप में ही उसने परमेश्वर के संग एक सही रिश्ते को बनाए हुए. So that tells us. ये हमें इस बात को बताता है. A man with a perfect relationship with God can always be an overcomer. और ये इस बात को बताता है कि एक मानव परमेश्वर के संग एक सिद्ध रिश्ते में हमेशा एक जयवंत ठहर सकता है. Nothing shall be impossible with him. कोई भी बात असंभव ना होगी. So let us try this. और आइए इस बात पर हम कोशिश करें. Make all the efforts that we maintain that right relationship with God and live our Christian life as a victorious people. और हर एक प्रयत्न को करें कि हम परमेश्वर के संग एक सही रिश्ते और एक जयवंत रिश्ते को जी. So we close this portion here. और यहाँ पर हम इस अध्ययन को समाप्त करते हैं. And please read chapter 11 of 1 Corinthians. और पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय को आप जरूर पढ़िए. From which we will study. और जिससे हम अगले बुधवार को अपने अध्ययन को जारी रखेंगे. Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता. We thank you for your Holy Spirit whom you sent that he may be with us and in us. हम तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आप भेजते हैं ताकि वो हमारे भीतर और हमारे द्वारा काम करे. For without the Holy Spirit, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, we cannot understand, we will not understand the things of God. हम पवित्र आत्मा आपके बातों को समझ नहीं सकते. We thank you for the studying. हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के अध्ययन के लिए. We thank you for the Holy Spirit who is our teacher. हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो कि हमारा शिक्षक है. So anoint all of us. हमें से हर एक को अभिषेक कर. And enlighten us. हमें प्रकाशित कर. Enlarge our minds understanding. हमारे मन और हमारी समझ को बढ़ा. Thank you. धन्यवाद. Bless your people. अपने लोगों को आशीषित कर. And let
us understand clearly the word. हमने देश स्पष्ट रीति से तेरे वचन को समझने. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Have a good time tonight. एक अच्छा समय आपका भी आज की रात्रि. Have a good rest and sleep. अच्छे से आप आराम करिए. But make sure that you kneel before God and worship Him, praise Him, and then pray before you lay down. और इससे पहले कि आप सोए आप जरूर प्रार्थना करिए उसके सम्मुख बैठकर. And have a good night. और एक अच्छी रात्रि आपकी भी. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष. Amen. Amen.